Hello friends, I am Priyanshi, your maths educator. Today we will study about 1.1. See question number first, fill in the blanks. This is your question number 1, fill in the blanks. In first question we will see 1 lakh mein kitne zeros hote hain, pehle hum dekhenge. 1 lakh mein 1, 2, 3, 4, 5. 1 lakh mein 5 zeros hote hain. एंड इन 10,000 देयर आर 4 जीरोज, यहाँ पर सिर्फ 4 जीरोज हैं, तो इसको इससे इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम 10 का यूज़ करेंगे. 10,000 इज इक्वल टू 1 लैख. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ इन सेकेंड वी विल सी 1 मिलियन. 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 मिलियन में 6 जीरोज होंगे. देन 1 मिलियन इक्वल टू 100,000. 100,000 पे कितने जीरोज होते हैं? देयर आर 6 जीरोज. यहाँ पर 6 जीरोज हैं 1 मिलियन में, और 100,000 पे कितने जीरोज हैं? 5 जीरोज हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे. 10,000 इज इक्वल टू 1 मिलियन. सी द थर्ड वन. 1 करोड़. 1 करोड़ में 7 जीरोज होंगे. 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख. 10 लाख को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 1 जीरो का ऐड करेंगे. यहाँ पर हम 10 करेंगे. 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख. फोर्थ वाला देखेंगे हम लोग. 1 करोड़ अगेन. 1 करोड़. 1 करोड़ में 7 जीरोज होंगे. 7 जीरो इक्वल टू डैश मिलियन. डैश मिलियन दैट मीन्स 1 मिलियन. फिर से हम यहाँ पर 1 जीरो और ऐड कर देंगे. दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 1 करोड़. फिफ्थ वाला देखेंगे हम लोग. 1 मिलियन इक्वल टू डैश लैख. डैश लैख दैट मीन्स 1 लाख. 1 लाख को इक्वल 1 मिलियन करने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से यहाँ पर 10 ऐड करेंगे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. सी द सेकेंड क्वेश्चन. प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स. पहले हम सेंटेंसेस को नंबर में लिखेंगे, उसके बाद फिर हम कॉमास प्लेस करेंगे. 73 लाख. लैक है दैट मीन्स हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है. 73,75,307. 73 लाख दैट मीन्स 73 हम लिखेंगे, उसके बाद लैक में कितने जीरोज होते हैं हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, जिससे कि हम लोग करेक्टली नंबर प्लेस कर पाएँ, उनसे मिस्टेक ना हो. 73 लाख दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5. लैक में 5 जीरोज होते हैं, तो हमने 5 प्लेस कर लिया. 73,000 दैट मीन्स आफ्टर दैट वी विल प्लेस 3 डिजिट. 307. 307. इस टाइप से हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ये मैटर रॉन्ग होता है. 307 दिस इज करेक्ट वन. अब ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है. अब हम प्लेस कॉमा करेंगे, कहाँ पर करेक्टली कॉमाज आएंगे. तो इंडियन नंबर सिस्टम में जब भी कॉमाज लगाएंगे हमारा वही ऑर्डर रहेगा. 1, 10, 100 देन कॉमा देन 2 डिजिट देन कॉमा देन 2 डिजिट. दैट मीन्स 1, 10, 100 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 75 के बाद कॉमा लगाएंगे. इंडियन सिस्टम में कॉमास हम हमेशा 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, देन आफ्टर 2 डिजिट के बाद लगाते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, अगेन 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं. बी और सी वाला आप लोग खुद से ट्राई करके देखेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी. कैसे सॉल्व करना है? सेम एज फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला आप देखेंगे, पहले मैंने न्यूमेरिकल में लिखा है, उसके बाद आफ्टर दैट कॉमास लगाएं. अगर वर्ड्स हमको इंडियन वाले मिलते हैं, लाइक करोड़, लाख, ये वाले मिलते हैं, तो हम इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाएंगे. मिलियन वाले मिलते हैं तो हम इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगाएंगे. अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये वाला इंटरनेशनल सिस्टम है. इंडियन सिस्टम हम लोगों ने समझ लिया है. नाउ कम टू द इंटरनेशनल पार्ट. 58 मिलियन. मिलियन दैट मीन्स 58. मिलियन में हमारे कितने जीरोज होते हैं? 6 जीरोज. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 58 मिलियन. 423.
अब हम लोग समझेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन. 58 मिलियन, 58 राइट करेंगे. मिलियन में कितने, हे भगवान. अब हम समझेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन. 58 मिलियन, 58 राइट करेंगे. मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 58 मिलियन हमने राइट करा. उसके बाद का पार्ट देखेंगे. 423,000, 423,000 के लिए प्लेस है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट. 202, ये वाला हमारा न्यूमेरिकल में राइट हो गया. अब हम कॉमास प्लेस करेंगे. इंटरनेशनल सिस्टम है, दैट मीन्स हम 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करेंगे. आफ्टर 3 डिजिट के बाद कॉमास प्लेस करेंगे. 1, 2, 3 देन कॉमा, 1, 2, 3 देन कॉमा. ये वाला हमारा हो गया है इंटरनेशनल वाला पार्ट. अब फिफ्थ वाला आप लोग करके देखेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड वाला क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ. इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नंबर्स, राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस. थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको पहले कॉमा सुटेबल करना है, उसके बाद फिर हम लोगों को इंडियन सिस्टम में उनको जमाना है. फर्स्ट वाला मैं रीड करूँगी. पहले हम लोग कॉमास प्लेस करेंगे. लास्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाऊंगी मैं. आफ्टर 2 डिजिट के बाद लगाऊंगी, फिर 2 डिजिट के बाद, एंड देन लास्ट में हमारी 1 डिजिट बचेगी. अब मैं इसको रीड कर रही हूँ कैसे हमको इसको नंबर्स में लिखना है. 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, 95,000. 95 के बाद 3 डिजिट है, दैट मीन्स 95,000. आफ्टर दैट 762. फर्स्ट वाला क्लियर हुआ आपको. एस फर्स्ट वाले की ही तरह हमको सेकंड वाला करना है. 85, 8, 5, 4, 6, 2, 2, 8, 3. लास्ट से हम लोग कॉमा लगाएंगे. लास्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, एंड देन लास्ट हमारे पास 2 डिजिट बचेगी. फिर हम लोग इसको नंबर्स में लिखेंगे. 85 लाख. आफ्टर दैट 85 लाख हो गया. 46,000, 46,000, 283. रेस्ट जो बचा है वो आप लोगों को खुद सॉल्व करना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ. इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हमको इसको लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमको कॉमास प्लेस करने हैं. फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे. इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3 डिजिट के बाद कॉमास लगाएंगे. 3 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, एंड रेस्ट हमारे पास 2 डिजिट बचे. 78 को लिखेंगे हम लोग 78 मिलियन, क्योंकि उसके बाद हमारे पास 6 डिजिट हैं, इसलिए 78,921,092. बाकी के जो बचे हुए 3 हैं वो आप लोगों को करनी है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.2. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.